वहां पर बनने वाला है एंड सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर बन रही है। हाइड ऑफिशियल्स के प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। पिचकू पांडा को यहां पर डाउन कर दिया गया हीरो की तरफ से, हीरो को रिटेलिएशन में डाउन करने की कोशिश। शैडो इस बीच कोशिशें कर सकते हैं, पिचकू पांडा को यहां पर एलिमिनेट किया गया। क्लच गॉड के पास एक अच्छा एरिया है जहां से टीम साइकी को प्रॉब्लम देते हुए नजर आ रहे हैं। सीरवी इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग राइट नाउ। फ्रूट जेसी भी लगातार फोकस किए हुए हैं टीम साइकी के ऊपर एंड क्लच गॉड के लिए, टीम गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं फ्रूट जेसी को इस फाइट को, इस सिचुएशन को एंड इस पोजिशन को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बेहतर लोकेशन है, यहां से कभी ना कभी शैडो एंड क्लच गॉड को आगे बढ़ना पड़ेगा। वो भी कुछ सिंगल टैप शॉट्स ऑन द टीम साइकिल लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, बट अभी के कनेक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टोटल 8 फिनिशेस के साथ टॉप 4 के अंदर ही टीम नजर आ जाएगी। सर्कल का दूरी जाता हुआ नजर आ चुका है, सर्कल टीम साइकिल को फेवर करता हुआ नजर आ जाएगा। वाटर एरियाज बहुत कम नजर आ रहे हैं, बट फ्रूट जेसी काफी अच्छे तरीके से काफी कंपोज्ड एंड काफी नॉर्मल एरियाज में आपको वेट करते नजर आएंगे। गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम आर ई-स्पोर्ट्स आपको नजर आ सकते हैं। क्रिमिनल भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। ग्रेनेड्स यहां पर क्या डायरेक्शन, आई थिंक दैट ग्रेनेड की गलत नजर आई है। अवर्ट यहां पर स्पॉट करने की कोशिश गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कर रहे हैं। दो ग्रेनेड्स है, आई थिंक वो समय आ चुका है कि यहां पर ग्रेनेड्स किया जाए। क्लच गॉड को यहां पर डाउन किया गया, ग्रेनेड गया, मुझे लगता है कि इनफ होगा अगर पेड़ पे गया। बट ओह माय गॉड, थोड़ा सा और एक ग्रेनेड मौजूद है और एक सही ग्रेनेड जाने की नीड है, बट शायद लोकेशन यहाँ पर चेंज कर दिया गया क्लच गॉड की तरफ से। अभी भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्लैश डैमेज से अवॉर्ड वापस से क्लच गॉड को डाउन करेंगे एंड अब फ्रूट जेसी यहाँ पर अपने आप को गेम में लेकर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जो कि बढ़िया है, बट हाँ अगर यहाँ पर स्पॉट किया गॉड लाइक ने शैडो ने तो दिक्कत हो जाएगी। क्रिमिनल इस बीच डाउन होंगे, क्रिमिनल इस बीच एलिमिनेट होंगे। फ्रूट जेसी यहाँ पर एक खिलाड़ी को स्पॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड ऑफिशियल्स अपने आप को एक्सपोज ना करें, दो ही खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहने वाले। टू की ये बैटल आपको देखने मिल जाएगी। एक अच्छा यहां पर बात, एक अच्छी यहां पर सिचुएशन, बट हाइड्रो ऑफिशियल्स को एक बार फिर से यहां पर सर्कल फेवर करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ गाइस, अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया यार, मेक श्योर स्ट्रीम को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 800 की वॉचिंग आ रही, 500 लाइक्स नहीं हो रहे, कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते चलिए। शैडो की पोजीशन यहां पर मौजूद, बट सोच यहां पर एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। चलिए शैडो यहां पर डाउन होते नजर आ जाएंगे। अवर्ड यहां पर हमने टॉप 2 में गॉड लाइक नजर आएगी। क्लच गॉड के सामने एक 1v2 की सिचुएशन रहने वाली, पोजीशन यहां पर रिवील है एंड फ्रूट जेसी को स्पॉट कैच प्रेस देने की कोशिश, मिनिमम कवर है एंड चलिए डीबीएस के थ्रू वो ओपनिंग मिलती हुई नजर आ जाएगी। हाइड्रा ऑफिशियल्स क्लच गॉड वर्सेस सस, एक 1v1 की सिचुएशन यहां पर एंड सर्कल में बनती हुई यहां पर आपको नजर आ जाने वाली है। सर्कल ये 1v1 डिसाइड करता हुआ नजर आएगा, जोन किसके पास आपको जाता हुआ नजर आ पाएगा। अभी के लिए अगर बात की जाए, बुरी तरीके से वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लच गॉड कैच भी बहुत ज्यादा लो है, हील करते हुए क्लच गॉड नजर आएंगे। एक ग्रेनेड क्लच गॉड के पास नजर आ जाएगा, उसके पास कोई भी ग्रेनेड्स नहीं है। M4 में स्विच किया, बट मुझे लगता था AKM दैट वन इज गुड, बट बैंडेजेस यहाँ पर पॉपअप कर रहे हैं जस्ट डाउन द साइड। यहाँ पर आपको नजर आएंगे ग्रेनेड बहुत अच्छे जा रहे हैं एंड सर्कल का फेवर यहाँ पर मिल चुका है, दोनों ही खिलाड़ियों को मिलता हुआ नजर आएगा। मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, रिजल्ट यहाँ पर अच्छा चाहिए। क्लच गॉड यहाँ पर ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्पॉट यहाँ पर जरूर कर सकते हैं, क्लच गॉड भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ सोच भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सोच के पास एक स्पॉट करने की ज्यादा पावर है। बट क्लच गॉड कनेक्शन मिल चुका है, काफी कनेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स लेकर जाती हुई पहले मुकाबले में विनर विनर चिकन।